बैक, गुड मॉर्निंग, दिस इज आशुतोष शेर। और आज है संडे और सुबह में ही मैंने उठ के जल्दी जल्दी पढ़ाई वगैरह कर ली, उसके बाद ट्रिमिंग वगैरह करके, क्योंकि कल से कॉलेज खुल रहा है तो सोचा कि इतना बड़ा दाढ़ी हो गया तो पूरा ट्रिम कर लिया, सेव आउट कर लिया। चलिए इसके बाद चल के नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। आज कुछ वैसे प्लान तो है नहीं, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह भी नहीं मिले तो कंप्यूटर भी ऑफ है। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, और अगर अच्छे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें और आगे का प्रोग्रेसिव मिलेगा कि हमें और क्या ऐड ऑन करना चाहिए अपने ब्लॉग में और किस चीज़ को कम करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, सब अपना नाश्ता करते हैं। अब नाश्ते में अपना वही रेगुलर, नहीं आज कुछ चेंज, आज है चूड़ा मटर है और साथ में पॉरिज है, तो कुछ है ऐसा नाश्ता आज का। ये है चूड़ा मटर, ये है पॉरिज, जिसको आप लोग क्या सारे इंडियन दलिया बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। अमेरिकन रहेंगे तो वो लोग बोलेंगे पॉरिज, PORIDG। उसमें वो लोग अमेरिकन जो रहते हैं उसमें सीरियल, दूध, चीनी और शहद वगैरह डाल के, नट्स वगैरह उसको मिला के बहुत बड़े अपने आप को वो बनते हैं, कहते हैं पॉरिज हेल्दी होता है। नॉर्मली ये दलिया है कुछ नहीं, गेहूं का बस वो है टुकड़ा। ये है इसके साथ है कॉफ़ी, साथ में पानी। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता हूँ, फिर आज भी धूप अच्छी निकली, बाहर बैठते हैं कुछ देर। काफ़ी अच्छी धूप निकली है, अब तो मौसम रेगुलर सही हो गया है। अच्छा है कि इतने दिन कॉलेज बंद था तो ज़्यादा ठंड पड़ रही, अब मौसम सही हो चुका है, कल से कॉलेज भी खुल रहा है तो अच्छा है, दिक्कत नहीं होगा। अपना अपना आराम से लाइब्रेरी में बैठेंगे, वहाँ पर धूप आती है काफ़ी बढ़िया। नाश्ता कम्प्लीट करते हैं फिर आप। नाश्ता वगैरह तो कर लिया अब हमने, फटाफट से हाथ धोते हैं फिर बाहर बैठते हैं धूप में, नहीं तो 2-3 घंटे बाद धूप चला जाएगा। अपना कॉफी भी ले लेते हैं, बाहर बैठते हैं, देखिए क्या होगा। ये देखिए बाहर बैठा, देखिए गाइस कैसे धूप के मजे ले रहा है, आराम से लेटा हुआ है। ओए थोड़ा देख लो, सो रहा है। इसको देखिए मटर खा रहा है, कितना बढ़िया अपना बागीचा के बीच में बैठा हुआ है, फूल खिला हुआ है। ये देखिए पुराने गुल्लक को हम लोग ने इसमें बैठा दिया, खराब हो गई थी, कितना बढ़िया लग रहा है फूल के बीच में बैठी हुई है, और ये अपना आराम से खा रहा है, आँख वगैरह बंद किया हुआ सारा। अब खा लिया, अब ये सो जाएगा, ऐसे ही बैठेगा और लेट के सो जाएगा। चलिए तो इसको सोने देते हैं, हम लोग भी अब घर में चलते हैं, काफ़ी देर हो गए। चलिए गाइस फटाफट से स्वेटर पहनते हैं फिर उसके बाद गेम खेलते हैं। चलिए गाइस फटाफट से मैं ये वाला स्वेटर पहन लेता हूँ फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस मैंने स्वेटर पहन लिया है, चलिए फटाफट से गेम खेलते हैं 1-2 घंटा, फिर उसके बाद पढ़ाई पे लगते हैं, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा काम वगैरह तो है नहीं, ना कोई प्रोजेक्ट है। तो चलिए आज गेम खेलते हैं थोड़ी देर, तभी कल से कॉलेज खुल जाएगा तो कहाँ गेम कहाँ कुछ, दिन भर भाग दौड़ लगा ही रहेगा। तो आज लास्ट टाइम एक बार और गेम खेल लेते हैं। 2 hours later मैं लोग भी आ चुके हैं बाजार से, मैंने गेम भी खेल लिया, एक्चुअली लंच करते हैं, वही रात का रेटी वगैरह बचा है तो उसी को खाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज आशुतोष शेर। अभी मैं सो के उठा हूँ, सुबह के 6:30 हो रहे हैं, और जब मैंने ट्रेन देखा तो सारी ट्रेनें 8-9 घंटे लेट चल रही हैं।
तो आज पता नहीं क्या बाहर मौसम खराब है कि क्या। चलिए बाहर चल के देखते हैं। इतनी ज़्यादा ट्रेनें लेट हैं कि अपनी ट्रेन लेट है तो जाने क्या मतलब बनता है। देखे बाहर कैसा मौसम। ओ भाई साहब आज तो बाहर देखने वाला मौसम नहीं है, चारों ओर केवल कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। चलिए आपको बाहर ले चलते हैं। ये देखिए गाइस कितना ज़्यादा ठंडा है आज। सब जगह केवल ठंड है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ठंड है। मेरी तो कपकपी छूट रही है। फट घर में चलता हूँ। रुके बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। काफ़ी ज़्यादा ठंड है आज। चलिए घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं। बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपने देखा बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है और ट्रेनें भी लेट है तो कॉलेज जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आज हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे, बंक मारते हैं और घर पे जम के पढ़ाई करेंगे। वैसे भी कॉलेज जाके जा पढ़ाई होती है, आधा समय तो ट्रेन में ही आने जाने लग गया। वही लाइब्रेरी में बैठ के जितना पढ़ाई होता है वही हो जाता है, नहीं तो उसके अलावा कुछ नहीं होता। चलिए हम जाते हैं, थोड़ा हाथ मुँह धोते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स टीम क्या बना रही है, ब्लैक कॉफ़ी बना रही है। आपने सुबह सुबह नाश्ता भी बनाना तैयार करती है। चलिए इनको बनाने दीजिए। पता नहीं क्या क्या इसमें नींबू कॉफ़ी पता नहीं क्या क्या डाल देती है। डेली हम लोग यही पीते हैं। फायदा करता है ये भी डाल के पी लेते। चलो ठीक चलिए तुमको पीते लगा लेते हैं फिर आपको छत पे लेके छत पे दिखाए आपको भी छत पे कैसा माहौल है। चलिए हमने टोपी भी लगा लिया, अपना कॉफ़ी भी ले लेते हैं, आराम से कॉफ़ी पी लेंगे फिर आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। टोपी को भी ले चलते हैं, आराम से सो रहा था बेचारा। जाओ टॉयलेट करके आओ जाओ, ठंड में इसका चला ही नहीं जा रहा है। देखिएगा इस छत का नज़ारा कितना ज़्यादा ठंडा है। ज्यादा ठंड है आज। इसको देखिए पागली ही बैठ गया। चलिए गाइस ठंड का मजा ले छत पे कॉफी पीते हैं। काफी ज्यादा ठंड है आज। इसी तरह उस दिन हम लोग 1 तारीख को गए थे तो वहाँ पे काफ़ी ठंड थी वहाँ पे, लेकिन इतना हवा नहीं चल रहा था ठंडा हवा। लेकिन आज तो ठंडा हवा का पूछिए मत, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हवा चल रहा है। दूर दूर तक तो कोई दिख भी नहीं रहा है। आज सोचा था कि इसको नहला देंगे, धूप अगर निकलता तो। कल इतना तेज धूप था, आज फिर मौसम खराब। मौसम का कुछ कह नहीं सकते कब खराब हो जाए। चलिए इसी बार में छत पे थोड़ा देर टहल लेंगे। वैसे मैं नॉर्मली छत पे नहीं आता हूँ, पता नहीं क्यों। ये वाला कट कर देना। वैसे नेचुरल लाइटिंग में कितना अच्छा फोकस आ रहा है वीडियो पे कैमरे से।
नेचुरल डिफ्यूज़र का काम करता है, नहीं तो ऐसे आर्टिफिशियल लाइटिंग रहती है तो उसमें एक्स्ट्रा डिफ्यूज़र जो होता है वाइट कलर का एम्ब्रेला वगैरह लगाना पड़ता है। लाइट्स की अगर देखा जाए, अगर नॉर्मली गर्मी के दिनों में अगर आप दोपहर 12 बजे के बाद शूटिंग करते हैं तो उस वक्त मोस्टली डायरेक्टर्स जो होते हैं वो वीडियो लेने से आपको मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो लाइट होती है वो एकदम हार्श लाइट होती है, डायरेक्ट सनलाइट आपके फोरहेड के एकदम ऊपर पड़ती है, जो आपका शेडो क्रिएट होता है वो आपके आईज़ के नीचे और नोज़ के नीचे ऐसे करके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, जो कि एकदम गलत माना जाता है वीडियोग्राफी के लाइन में। तो जो भी फिल्म से या सिनेमा के सेक्टर से अगर बिलोंग करते होंगे तो वो लोग जानते होंगे कि समर डेज़ में ये जितनी भी हार्श लाइट होती है, ख़ास करके दोपहर की शूटिंग, उसको 12 बजे के पहले पहले निपटा दिया जाता है, नहीं तो बाद में काफ़ी दिक्कत होता है। जब फोरहेड के नीचे एकदम लाइट पड़ती है तो काफ़ी बेकार फोकस आता है, शैलो ऑफ डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा होता है उसमें। ये सारी फिल्म की बातें इसलिए क्योंकि मैं जहाँ पहले पढ़ता था, मतलब वो भी फिल्म स्कूल ही कहते थे, मार्वल स्टूडियोस वहाँ का, अपने नोएडा का है। पहले मैं नोएडा में पढ़ता था, अब वाराणसी में पढ़ता हूँ। लॉकडाउन कोरोना के बाद से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। खैर वहाँ के तो बात ही अलग है, दिल्ली में तो भैया जाड़े की शुरुआत हुई नहीं कि 5 डिग्री सेल्सियस पूरा पारा भाग गया। वहाँ की बात तो कुछ कहने की नहीं। चलिए तो अब नीचे चलते हैं, नहीं तो बैठा बैठा बेचारा जम जाएगा। चलिए गाइस वेलकम बैक। अभी मैं नहा के आ चुका हूँ, भगवान का पूजा वगैरह भी कर लिया। ट्रेनें इतनी ज़्यादा लेट हैं कि अभी मैं चेक कर रहा था कि शायद घट गया हो 12-1 बजे के लगभग, नहीं बहुत ज़्यादा लेट, 8-9 घंटे लेट है। कल शाम की महाबोधि एक्सप्रेस जो कि 5-6 बजे आती है, यहाँ अभी सुबह भी आने वाली है, दिल्ली जाने वाली। सोच लिए कितनी ज़्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। टीवी में तो सिर्फ उनको दिल्ली दिखता है और कोई राज्य तो दिखता ही नहीं है, सॉरी दिल्ली राज्य नहीं है लेकिन इन द सेंस कि और राज्यों का भी दिखाना चाहिए, जैसे आप राजधानी का दिखाते हैं, काली दिल्ली दिल्ली लेके बैठे हैं सारे आज तक वाले और सारे न्यूज़ वाले कि दिल्ली में घना कोहरा, सितम पड़ा है, पता नहीं क्या क्या। हम लोग का भी दिखाना चाहिए कि यूपी में क्या हाल है, वाराणसी में क्या हाल है, बहुत ज़्यादा ठंड आज। इतना तो पूरे साल, मतलब इस पूरे सीज़न में, इस पूरे विंटर सीज़न में इतना ठंड नहीं पड़ा जितना आज पड़ा है। लगभग 5-6 डिग्री सेल्सियस अभी बाहर है, हाथ पूरा एकदम जम रहा है। चलिए अब जाकर थोड़ा सा हाथ वगैरह सेकते हैं, मम्मी बोलते हैं थोड़ा आग जलाए, अगर जलाती हैं तो, नहीं तो बैठेंगे फिर रह जाएगी अंदर, कुछ काम भी आज। चलिए मिलते हैं आपसे फिर, नाश्ता करते हैं। आज गोभी आलू सब्जी बनी है, मूली की सलाद और ये मेथी का पराठा बना है आज, आज इसी को इन्जॉय करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, अब हम लोग निकल रहे हैं LIC ऑफिस के लिए, वहाँ पे कुछ प्रीमियम का, सॉरी बॉन्ड का प्रीमियम वगैरह जमा करना है, तो उसके लिए LIC ऑफिस जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडे बाहर, मन तो नहीं कर रहा जाने के लिए लेकिन जाना ज़रूरी है। थोड़ा लेट भी हो गया है, 15 दिन के अंदर जमा करना रहता है। चलिए थोड़ा सा तो धूप निकलता है बाहर में, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा है, हवा एकदम खूब तेजी का चल रहा है, पूरे पेड़ पौधे भी हिल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने वाले, चलिए निकलते हैं फिर जब वापस आएंगे तो आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, अरे सॉरी इवनिंग, गुड इवनिंग, शाम हो चुकी है। LIC ऑफिस से आने के बाद अब हम लोग सो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा बाहर ठंड है, अभी सो के उठे हैं। चलिए बाहर चलते हैं और लाइट वगैरह जलाते हैं, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, मम्मी लोग भी सो रही हैं आज, देखिए सारे लोग सो रहे हैं आज, काफ़ी अंधेरा है। इसको देखिए ये भी सो रहा है पागल,
इसको तो कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है, दिन भर सोफा पे सोता रहता है, कैसे देख रहा हमको। कुछ बोलोगे? सोते ही रहोगे? ये क्या कर रहा है? ये अपना जगह है, कुछ ना कुछ कर रहा है। अब इसके बाहर आने का समय भी हो गया है, कुछ देर बाहर आके खेलेगा। चलिए गाइस बाहर चलते हैं, लाइट जलाए। वहाँ लग रहा है कल भी धुंध पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, अभी से एकदम कोहरा जैसा छाया हुआ है। गली का भी लाइट जला देते हैं, अभी ठंड पड़ने लगी काफ़ी ज़्यादा। हमको लगा कि गुड मॉर्निंग, हम सो के उठे तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आप लोगों से, गुड इवनिंग हो चुका है जो कि। चलिए चल के हाथ पुत धोते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब इसको टॉयलेट वगैरह करवा देते हैं, शाम हो गया काफ़ी, नहीं तो फिर रात को जाएगा नहीं, बदमाशी करेगा। मेरा चप्पल किधर है भाई? मेरा चलो अकेले नहीं जाएंगे, बड़े भारी राजा साहब हैं। चलो 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 फटाफट चलो भाई साहब, कितना तेज हवा चल रहा है। ओ चलिए तो इसको करने दीजिए, हम यहाँ बैठते हैं आराम से साइड में। चलिए तो उसको करने दे दीजिए, यहाँ खड़े होते थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंड, उधर खुला जहाँ मैदान रहता ना वहाँ ज़्यादा। ये क्या आ गया पैर में? अरे यार पूरे पैर में मेरे रस्सी फंस गया। सब बच्चे ना, पता नहीं मंजा उंजा कहाँ से आ गया, पूरे पैर में मेरे फंस गया, सब पता नहीं कहाँ से आ गया। काफ़ी ज़्यादा है, चलिए इसको लपेट के हटा दे वरना किसी को एक पैर फंस सकता है। कहाँ गया ये? आया नहीं अभी तक। क्या कर रहे हो? चलो अब इसको चूहा मिल गया, अब चूहा पीछे पड़ा है, चलो घर में चलो। चलो गया चूहा, गया गया। सोच रहा है कि थोड़ा दोस्त लोग को निहार ले रोड पे, अब वहां पता नहीं कहां जा रहा है। अरे घर में चलो, कहां जाओगे? चलो घर में, घर में चलो। चलिए फ्रेंड्स अब अपने घर में चलते हैं, नहीं तो काफ़ी ठंड है बाहर। आके बैठ गया अपने स्थान पे, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगता है इसको। ओए क्या हो रहा है? वेलकम बैक। आज देखिए मम्मी ने फिर से आग जलाया है, काफ़ी भयंकर, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रहा था आज। हालांकि अभी तक पापा आए नहीं हैं और आज ना कुछ खाने को, बस ऐसे ही हाथ सेकने के लिए। आप लोग भी आके मजे ले रहे होंगे। गाइस मम्मी पॉपकॉर्न खा रही है, चलिए आज पॉपकॉर्न खाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। नॉर्मल कुछ करना नहीं होता है, बस आप बटर डालिए उसमें, थोड़ा नमक डालिए, थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाल लीजिए, और जो बाज़ार में मक्का वक्का दाना मिलता है वहाँ से आप लेके थोड़ा सा वो डाल दीजिए 250 ग्राम के लगभग, फिर दोनों को मिला के उसको प्रेशर कुकर में चढ़ा दीजिए। हार्डली 2 से 3 मिनट लगता है, पक के काफ़ी बढ़िया रेडी हो जाता है, काफ़ी जल्दी नाश्ता बनता है। देख रहे हैं आवाज़ आना स्टार्ट हो गया, बन गया ऑलमोस्ट रेडी। काफ़ी तेज साउंड कर रहा है, पॉप अप साउंड करता है ना।
ये बन जाता तो आपको दिखा दे। गैस काफी ज्यादा पॉप अप होगा, बाहर आ रहा है। कितना जल्दी जल्दी पॉप अप होता है। मम्मी को फटाफट बोल देते हैं, उसमें देंगे वो। काफी अच्छा लग रहा है। आधा है ज्यादा, पूरा प्रेशर कुकर ही भर गया। आधा आधा लीटर का प्रेशर कुकर है, पूरा भर गया। अभी पॉप अप हो ही रहा है उसके अंदर। चलिए मम्मी निकालती थी, जाते हैं। मम्मी ने तो पूरा मूवी बकेट ही बना दिया पॉपकॉर्न का, जो मूवी में खाते हम लोग, जैसे मूवी देखने एंजॉय करने जाते हैं तो एकदम वैसे ही पूरा भर दिया ऊपर तक। अभी इतना मेरे पास है, अभी इसका दोगुना और वहाँ रखा हुआ है और लोग के लिए। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बचपन याद आ गया कि आग के साथ हम लोग बैठ के पॉपकॉर्न एंजॉय करते थे। चलिए तो हम लोग आग में बैठ के नहीं, मतलब आग के सामने बैठ के पॉपकॉर्न का मज़े लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।